दोस्तों आपको तो पता ही है कि जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तब से लोग डिजिटल मार्केटिंग की तरफ को, ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ को और ब्लॉगिंग की तरफ को बहुत ज़्यादा इनका रुझान हुआ है और लोग पसंद करने लगे हैं ब्लॉग्स को रीड करना, आर्टिकल्स को रीड करना। तो इसी के अंदर हम एक नया आपके लिए वीडियो लेके आए हैं कि आप अपना खुद का ब्लॉगिंग बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो ब्लॉगिंग के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ती है एक .com डोमेन की और एक वेब होस्टिंग की। तो आज मैं एक ऐसी कंपनी का ऑफ़र आपके सामने लेके आया हूँ जो कि आपको .com डोमेन देगी सिर्फ 299 रुपीज़ में। हाँ जी बिल्कुल, मैंने कुछ गलत नहीं बोला, 299 रुपीज़ में आपको एक .com डोमेन मिलेगा जिसकी एक साल की फ़ीस 299 रुपीज़ होगी। तो इस ऑफ़र को कैसे ग्रैब करना है चलिए मैं आपको वीडियो पर दिखाता हूँ। सबसे पहले तो हम google.com खोलेंगे, उस पर सर्च करेंगे क्लाउड मैजिका। जैसे क्लाउड मैजिक का सर्च करके एंटर करेंगे तो सबसे पहला पेज आएगा क्लाउड मैजिक डॉट कॉम का, उस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे वेबसाइट को एंटर करेंगे तो सामने लिखा हुआ आएगा कि .com ऑफ़र इन 299। तो हम उस पर बाई नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही बाई नाउ पे क्लिक करते हैं तो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल कर आता है, वहाँ पर आप अपनी करेंसी चूज़ कर सकते हैं, इंडिया INR या फिर USD। उसके बाद फाइंड न्यू डोमेन के अंदर अपने डिज़ायर डोमेन का नाम डालेंगे, जैसे कि मैं अपने डोमेन का नाम डालता हूँ और मैंने इसको हिडन कर दिया प्राइवेसी के लिए। और मैं सर्च करता हूँ, सर्च करने पे सामने प्राइस आता है, मैं चेकआउट पर क्लिक करूँगा और चेकआउट पर क्लिक करने के बाद मेरे डोमेन का नाम आगे आ जाएगा और मुझे कंटिन्यू करने के लिए प्रॉम्प्ट करेगा। यहाँ पर मैं अपने लिए वेब होस्टिंग भी चूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं 39 रुपीज़ वाली वेब होस्टिंग प्लान का लेता हूँ, अगर मैं इनका 39 वाला प्लान लेता हूँ जिसके की बेनिफिट है कि आप एक सिंगल डोमेन को होस्ट कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि ये जो 39 रुपीज़ वाली वेब होस्टिंग है इसको फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस प्लान को सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के बाद आगे की तरफ को बढ़ूंगा। तो सबसे पहला जो ऑप्शन आता है यूज़ अ डोमेन ऑलरेडी इन माई शॉपिंग कार्ट, इसको मैं क्लिक करूंगा और मैं यूज़ पे क्लिक कर दूंगा। तो नीचे आऊंगा, एक लोडिंग चल रही होगी, फिर लिखा हुआ आएगा कि मैंने क्या क्या चूज़ किया है, जैसे कि बेस्ट वेब होस्टिंग सिंगल जो आ रहा है जिसमें कि एक डोमेन होस्टेड है, 10 GB की स्टोरेज मिलेगी, 80 GB की प्रीमियम बैंडविड्थ है, cPanel होस्टिंग है, सॉफ्ट एक्विरस इंस्टॉलर है। ये ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, 1 मंथ का प्लान है जो कि 39.50 रुपीज़ का है, यानी कि 39.50 रुपये का आपको प्लान मिल जाएगा। अगर आप एनुअल लेना चाहते हैं तो एनुअल प्लान आपका 630 रुपीज़ का है, और अगर आप लेना चाहते हैं इसको 3 साल के लिए तो 1275 रुपये का प्लान है 3 साल का, ठीक है ना, सॉरी 3 साल का नहीं 2 साल का। लेकिन अभी क्या है, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन अभी क्या है, हमको 1 महीने का प्लान लेना है। तो 1 महीने के लिए हम 1 महीने का प्लान सेट करेंगे, क्योंकि ये जो 1 महीने की वेब होस्टिंग का प्लान है हमको इस डोमेन के साथ फ्री मिलने वाला है। तो मैं इसको 1 महीने वाले प्लान को सिलेक्ट हुए रहने दूंगा और कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। तो जैसे मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा तो मैं आगे के एक नए स्टेप की तरफ को आगे बढ़ जाऊंगा, जहाँ पर मुझे मेरा डोमेन का नाम फिर से शो होगा और यहाँ पर लिखा आएगा हैज़ होस्टिंग रजिस्टर्ड पीरियड 1 ईयर। तो मेरे ऊपर डोमेन का नाम आएगा, नीचे ID प्रोटेक्शन के लिए बोलेगा जो कि 499 रुपीज़ का 1 ईयर है। ये हुईज़ ID प्रोटेक्शन होता है, इसका बेनिफिट ये होता है कि आप जो भी डोमेन लेते हैं वो हुईज़ डायरेक्टरी के अंदर आपकी पर्सनल डिटेल शो नहीं करता, जैसे कि आपका नाम, आपकी मेल ID और आप कहाँ के रहने वाले हैं, उसको हिडन कर देता। तो हम मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं इसको छोड़ दूंगा। अभी मैं टोटल अगर चेकआउट करके देखूंगा तो मेरे जो टोटल हो रहा है वो 338 रुपीज़ 50 पैसे हो रहा है, यानी कि 338 रुपये 50 पैसे हो रहा है, जिसमें से कि 299 रुपये तो डोमेन के थे और 39 रुपीज़ 50 पैसे होस्टिंग के थे। तो मैं अभी इसको चेकआउट करूंगा, मुझे कूपन कोड कहाँ पर लगाना वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी मैंने कुछ हिडन कर दिया है क्योंकि यहाँ पर मैं अपनी डिटेल्स वगैरह फिल कर रहा था, एड्रेस वगैरह फिल कर रहा था। यहाँ पर मैं एक कोड डालूंगा जिसका नाम है प्रो होस्ट, सॉरी प्रो होस्ट बिजनेस होस्टिंग, मैं कॉम होस्ट एक कोड डालूंगा, इसको वैलिडेट करूंगा इस कोड को। जैसे ही मैं इसको वैलिडेट करूंगा तो क्या होगा, मुझे मैंने जो 39 रुपीज़ की वेब होस्टिंग ली थी 1 महीने के लिए, मुझे वो वेवर हो जाएगी, मुझे उसका डिस्काउंट मिल जाएगा इस कूपन कोड से। तो मुझे जो पे करना पड़ रहा है वो 299 रुपीज़ है। मैं आगे बढ़ूंगा इसको, मैंने यहाँ पर अपने डिटेल्स वगैरह फिल की हुई हैं, अपना नाम वगैरह, अपना एड्रेस वगैरह, उसको मैंने हिडन कर दिया है। तो मैं नीचे आऊँगा, नीचे आके मैं फॉर्म वगैरह फिल करूँगा पूरा। फॉर्म फिल करने के बाद इसमें अपनी डिटेल डाल दूँगा, नाम, एड्रेस क्या है मेरा, मेरी मेल ID,
और मेरा स्टेट क्या है, मैं स्टेट सेलेक्ट करूँगा अपना, ये सारा फॉर्म मुझे यहाँ पर भरना होता है। तो मैं पूरा फॉर्म कंप्लीट करने के बाद इसको चेकआउट करूँगा। चेकआउट करने के बाद, चेकआउट करने से पहले मुझे दो पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आएगा। अगर तो आप इंडियन यूज़र हैं देन आप ब्राज़ोरे पे यूज़ कर सकते हैं, अगर आप इंटरनेशनल यूज़र हैं या फिर आपके पास, आप पेपाल के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो पेपाल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे नीचे आऊँगा, मैं तो राजोरे पे से पेमेंट करने वाला हूँ तो मैं राजोरे पे को सिलेक्ट करूँगा और सबसे नीचे आऊँगा। नीचे आने के बाद यहाँ पर एक चेकबॉक्स आएगा जिस पर लिखा हुआ है कि आई हैव रीड एंड एग्री द टर्म ऑफ सर्विस। तो मैं इस पे चेकबॉक्स पे निशान लगा दूंगा और फिर उसके बाद मैं चेकआउट पर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं चेकआउट पर क्लिक कर दूंगा तो मेरे पास पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आ जाएगा कि मैं राजोरे पे से किस किस मोड से पे कर सकता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन आता है कार्ड्स का। इसके अंदर आप वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है नेट बैंकिंग का। तीसरा ऑप्शन आपको मिलता है वॉलेट का। वॉलेट में हम फ्रीचार्ज सपोर्ट करते हैं और पेज़ैप सपोर्ट करते हैं। चौथा ऑप्शन यूपीआई का। अगर आप जी पे यूज़ करते हैं या फिर यूपीआई के थ्रू ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तब उसके लिए यूपीआई को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं दोस्तों जो पेमेंट करने वाला हूँ यूपीआई सेलेक्ट करने वाला हूँ और मैं गूगल पे के थ्रू पे करूँगा इसको। मेरे पास एक बार कोड आएगा, बार कोड को मैं स्कैन करके इसको पे कर दूँगा अपने, क्योंकि मेरे मोबाइल में जी पे की ऐप डली हुई है तो मैं उसी के थ्रू पे कर दूँगा। और जैसे मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो मुझे डोमेन्स में आना है। डोमेन्स में आके देखना है कि मेरा डोमेन एक्टिवेट हुआ कि नहीं हुआ, और मैं आपको दिखाता हूँ अभी। हाँ जी, तो मेरा डोमेन का स्टेटस आप देख सकते हैं कि स्टेटस में ये एक्टिव दिखा रहा है। तो ये मैंने आपको डोमेन परचेज करके दिखाया कि कैसे आप 299 रुपीज़ में एक डॉट कॉम डोमेन बाई कर सकते हैं क्लाउड मैजिका डॉट कॉम से। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। पसंद आती तो लाइक कर देना, पसंद नहीं आती तो डिसलाइक कर देना। और अगर आपका प्यार देना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट मार सकते हैं। कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगली वीडियो में आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।